Hello everyone, a very warm welcome to Study IAS. I hope you all are doing well. इस पर्टिकुलर लेक्चर में वी विल सी व्हाट इज साइलेंट बार्कर. इस समय ये न्यूज़ के अंदर है, दो बहुत पहले से कहीं ना कहीं डिसाइडेड है यूएसए इसको लेकर आने वाला है, बट अभी रिसेंटली हमें देखने को मिला है कि हाँ थोड़ी सी और डेवलपमेंट हुई है एंड ये न्यूज़ के अंदर हमें देखने को मिला है. अब देखो ये है क्या, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव साइलेंट बार्कर सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन को लाने का यूएसए का बड़ा सिंपल सा है. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसको लेकर आ रहा है सैटेलाइट का. ये एक तरीके का क्या होगा, कॉन्स्टिलेशन सिस्टम होगा जो कि ट्रैक करेगा एज वेल एज मॉनिटर करेगा चाइनीज एज वेल एज रशियन स्पेस व्हीकल को. अब देखो क्यों, क्योंकि यूएसए को कहीं ना कहीं पता है कि रशियन एंड एज वेल एज चाइनीज जो स्पेस व्हीकल्स हैं वो एक पॉसिबल एक थ्रेट हो सकते हैं आगे आने वाले टाइम के लिए, बिकॉज दे आर ऑल्सो ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट एंड दे मे डेलिबरेटली हार्म जो भी यूएस के इनिशिएटिव हैं उनको. इसलिए ये पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन यूएसए लेकर आ रहा है एंड बाय डिप्लॉइंग दिस कॉन्स्टिलेशन यूएस स्पेस फोर्स एम करता है कि वो डिटेक्ट कर पाएगा, ऑल्सो ट्रैक कर पाएगा पोटेंशियल थ्रेट को जो भी हमें देखने को मिल रहे हैं. हाई वैल्यू यूएस सिस्टम के ऊपर जो भी थ्रेट आएगा उसको कहीं ना कहीं पहले से ही अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा, ऑल्सो उसको ट्रैक कर लिया जाएगा कि वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ जा रहा है ना, सब चीज़ यहाँ पर ये इसके थ्रू कर पाएंगे. US Space Force in collaboration with National Reconnaissance Office, that is NRO, इसको लेकर आ रही है एंड इसको लॉन्च करने वाली है. अभी हमें थोड़ा टाइम बाद आते हुए ये नजर आएगा. एंड ये जो कॉन्स्टिलेशन है स्पेसिफिकली इसी चीज के लिए आ रही है. ये जो ग्रोइंग कंसर्न है चाइनीज एज वेल एज रशियन स्पेस व्हीकल के US के लिए, इसको कहीं ना कहीं ये टैकल कर पाए, ऑल्सो कोई भी डैमेज नहीं हो US के ऑर्बिटिंग ऑब्जेक्ट्स का, जो कि बहुत सारी हमें देखने को मिल रही है. तो आप अभी क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, अभी देखो इस समय कितना ज्यादा, पहले क्या होता था जो कंट्रीज थी एक दूसरे से लड़ाई करती थी बहुत सारी बेसिस पर, पॉलिटिकली लड़ रही हैं, इकोनॉमिकली लड़ रही हैं, सब समझ आ रहा है. बट अब स्पेस का डोमेन ऐसा हो गया है कि वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है. तो ये जो साइलेंट बार्कर है ये हमें कॉन्स्टिलेशन का सैटेलाइट का समूह देखने को मिलेगा एंड द नेटवर्क वुड बी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एंड ये कॉम्प्लीमेंट करेगा ग्राउंड बेस्ड सेंसर्स को, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को एंड अकॉर्डिंग टू द स्पेस फोर्स एंड एनालिस्ट ये चीज बताई जा रही है. सैटेलाइट विल बी प्लेस्ड अबाउट 22,000 माइल्स अबव द अर्थ एंड एट द सेम स्पीड इट रोटेट्स नोन एज द जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट. ठीक है, तो ओवरऑल हमें ये इसका सिनेरियो देखने को मिलेगा एंड अगर ये जल्दी आ जाता है काफी ये मदद करेगा यूएसए को, चाइनीज एज वेल एज रशियन जो स्पेस ऑब्जेक्ट हैं उनके खिलाफ अगर कोई भी पॉसिबल थ्रेट आता है उससे लड़ने के लिए यूएसए को बहुत ज्यादा मदद करेगा. इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए इतना ही था. आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बात, आप अनअकैडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं. अभी प्राइजेस में ड्रॉप हुआ है तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं. अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो अभी ले लीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा. अनअकैडमी प्रॉमिस के साथ आप जुड़ सकते हैं, प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, आपको क्यूईपी फुल्ली पेड मिलेगा, मेंस क्लियर हो जाएगा, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलेगा एंड इंटरव्यू क्लियर होने के बाद जब आपकी रैंक आ जाएगी आपको 100% फी भी रिफंड हो सकती है. फाउंडेशनल बैचेस कल से स्टार्ट हो गए हैं, यूज करिएगा कोड AMS लाइफ एंड आप उनके अंदर एनरोल कर सकते हैं. फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम भी 5th of June से स्टार्ट हो चुका है, यूज करिएगा कोड AMS लाइव एंड आपको इसके बाद 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा. ऑप्शनल की तैयारी भी आप अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं. ऑल्सो अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है अभी 11 जून को 11 बजे ही सुबह होगा, इसको जरूर देना. ऑल्सो EPFO का मॉक टेस्ट होगा 18 जून को, इसको आप जरूर देना. इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए इतना ही था. अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी IAS. हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज आपके लिए शॉर्ट वीडियोज आती रहती हैं जिसमें आप जो करंट अफेयर्स हैं उनको जल्दी क्विक मैनर में कवर कर सकते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए. चलिए मिलते हैं कल. बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड.